शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और शिक्षा विभाग का कड़ा रुख अटैचमेंट को लेकर देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में राजकीय शिक्षक संगठन का कहना है कि अटैचमेंट के खेल में यदि किसी शिक्षक ने गलत तथ्य प्रमाणित किए हैं तो ऐसे शिक्षकों के खिलाफ जांच के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो शिक्षक वास्तव में गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति नहीं दी जानी चाहिए। उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत इस बार अटैचमेंट पर सख्त नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना यही होगा कि जिन्होंने गलत मेडिकल बनवाकर अटैचमेंट पाए हुए हैं उन शिक्षकों पर क्या कार्रवाई होती है। जो वास्तविक जिन्हें जरूरत है उनको तो संगठन ने कभी विरोध नहीं किया, अभी नहीं करेगा, लेकिन जितने भी फर्जी, हम तो आज भी कह रहे हैं जितने भी फर्जी मेडिकल वाले हैं उनकी जांच होनी चाहिए और उन्हें पकड़ के बीआरएस दे देना चाहिए, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। और रही अटैचमेंट के बाद सारी ब्यूरो चिताने से कुछ नहीं होता, इस पर महानिदेश को प्रोत्साहन भी करना पड़ेगा। कम से कम एक तरफ जहाँ नियम के अंतर्गत शिक्षक का स्थानांतरण हुआ उसे तो कार्यमुक्त नहीं कराया जा रहा है कि शिक्षक कम है, और दूसरी ओर हजारों शिक्षक अटैच हैं, ये कहाँ का न्याय है। और संगठन तो हमेशा विरोध करता है कि जितने भी अटैचमेंट है बिल्कुल एकदम वो समाप्त होने चाहिए, और जो फर्जी मेडिकल वाले हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। जो वास्तविक जैसे नीड है, मैं न तो संगठन उनका विरोध करता है ना मैं इसकी पैरवी करूँगा कि उन्हें बीआरएस दिया जाए, उसे जरूरत है। और बेचारे के साथ अन्याय हुआ है और ऊपर से हम इस तरह के जबरदस्ती उसे बीआरएस की बात करेंगे तो बहुत गलत है।